वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए नहीं आ पा रही थी गाइस क्योंकि मैं लगा था मेरी पेट शॉप में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेट शॉप ओपनिंग कर ली है, मतलब अपना खुद का पेट शॉप खोल रखा है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें मेरी पेट शॉप पर अवेलेबल है, पर्स वगैरह पीसेस वगैरह सब अवेलेबल है। तो मेरा पेट शॉप का एड्रेस है अशोक किराना रोड एंड सदाशिव नगर, जो रामेश्वर कॉलोनी का रोड जाता है वो रोड पर ही अपना शॉप ओपन हुआ है। तो आप आ सकते हो मेरे पेट शॉप पर। अच्छी अच्छी फिश में वैरायटी है और डॉग फूड, कैट फूड, फिश से रिलेटेड एसेसरीज एंड फिश फूड सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। पर्शियन कैट, डॉग्स वगैरह जो भी चाहिए आप आ सकते हो मेरे शॉप पे विजिट करने के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मेरा पेट शॉप हो चुका है ओपन। तो आप आ सकते हो पेट शॉप पर और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करूँ। जो जो चीज़ मेरे शॉप पर अगर जो अवेलेबल नहीं है और आप लोग को चाहिए वो चीज़, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी अवेलेबल करवा दूँगा। तो चलिए मैं आपको मेरा अभी तो फ़िलहाल में मेरे पास मेरे को शॉप डालने के लिए लगभग दो मंथ हो चुका है। तो फिश का स्टॉक आया भी है और गया भी है। तो मैं आपको फिश का स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है, जो भी है अवेलेबल मैं आपको बता देता हूँ, और बर्ड्स का जो भी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और फिश और बर्ड्स का स्टॉक मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो भी बता देता हूँ। तो आइए चलिए गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी फिश अभी अवेलेबल है मेरे पास में, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो गाइज, ये ओरेंडा गोल्ड है, इसका चार पीस पड़ा है अभी और उसमें एक ब्लैक टेल फेंटल गोल्ड भी है। तो अभी इतना ही स्टॉक पड़ा है मेरे पास में, लगभग मेरे को 2 मंथ हो चुका है शॉप ओपन करे हुए। तो अभी फिश का स्टॉक लगभग 2-3 दिन में आ जाएगा मेरे पास, आकर गया भी है 4 से 5 बार स्टॉक आकर गया है। तो अब चलिए मैं आपको दूसरा फिश का टैंक भी बता देता हूँ और कौन कौन सी फिश अवेलेबल है वो भी बता देता हूँ। तो आइए दूसरे टैंक पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, जिसमें तीनों पॉइल है और रेम्बो शार्क है एंड गोरामी है। तो ये वैरायटी भी अभी मेरे पास में अवेलेबल है, तो अच्छी क्वालिटी का फिश है, आप विज़िट करने आ सकते हो मेरी शॉप पर। और फिर चलते हैं नेक्स्ट टैंक पे। तो ये है मोली, सबसे प्यारी और बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इसका स्टॉक सेल भी होता है। तो अभी इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा है, तो आप आ सकते हो मेरे शॉप पे विज़िट करने के लिए और परचेजिंग के लिए। अब चलो हम नेक्स्ट टैंक पे जाते हैं। तो ये है विडो, छोटे साइज़ में अवेलेबल है विडो टेट्रा। तो बहुत सारा कलर बिक चुका है, भी रेड रेड कलर में पड़ा है विडो मेरे पास में। और फाइटर फिश भी अवेलेबल है, फाइटर में अच्छे अच्छे कलर में फाइटर अवेलेबल है, यू कैन सी, आप देख सकते हो फुल मून फाइटर फिश भी अवेलेबल है, आप विज़िट कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। तो प्राइस मैं अभी मेंशन नहीं करूँगा, जब आप आते हो शॉप पर और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लेते हो तो मैं आपको रिजनेबल प्राइस में ये प्रोवाइड करवा दूँगा। आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी में मेरे पास बेटा फिश अवेलेबल है और इंशाल्लाह 2 या 3 डेज में फ़ीमेल का स्टॉक भी आने वाला है, तो फीमेल भी मैं आपको अवेलेबल करवा ही दूँगा। तो ये देखिए, ये देख सकते हो ये भी कितने अच्छे कलर में फ़ाइटर अवेलेबल है।
एंड एक येलो कलर में भी फाइटर अवेलेबल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये फुल मैच्योर है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। आपको वीडियो में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हूँ, आप जब लाइव देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो अब मैं आपको दूसरी वैरायटी भी बता देता हूँ कि और कौन सी वैरायटी मेरे पास में अवेलेबल है फिश में। तो नेक्स्ट टाइम पे आगे ये देख सकते हो किसिंग गोरामी है मेरे पास में, अच्छी खासी साइज़ में है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका लोकेट, तो ये भी अवेलेबल है अभी। और अभी बहुत अच्छी प्यारी फिश है, अभी एक पीस और अवेलेबल है, ये फ्लावर उनका पीस है, तो अभी ये थोड़ा बच्चा है, इसका हेड आएगा इंशाल्लाह, तो ये भी अवेलेबल है अपने पास में। कोई भाई इंटरेस्टेड है तो वो भी आ सकता है अपने शॉप पर विज़िट के लिए या परचेजिंग के लिए। तो अब मैं आपको बर्ड्स का स्टॉक बता देता हूँ, ये चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बर्ड्स का स्टॉक। तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास एक अफ्रीकन पड़ा है जो मेल है, तो अगर कोई भाई आता है इसको परचेसिंग के लिए तो मैं उसको बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में ये प्रोवाइड करवा दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना डायमंड डब है, तो डायमंड डब भी मेरे पास अवेलेबल है, तो आइए विजिट कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है, बर्ड्स अच्छे अच्छे अवेलेबल है। एंड ये बजरी जो बहुत लोगों को पसंद होते हैं, तो इसमें रेम्बो बजीज भी है एंड रेड आई लुटिनो बजीज भी है, और फिर ये अपना रेगुलर बजीज है, ये भी देख सकते हो आप, ये भी कितने अच्छी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और उसमें एक कोवाडेल का पीस भी है जो मेल है, तो ये भी अगर कोई परचेस करना चाहता है तो आइए शॉप पे विज़िट कीजिए। अभी और दूसरा लॉट बता देता हूँ, ये है अपने पास में जावा का लॉट, वाइट में, सिल्वर में और ब्लैक में, तीनों कलर में अवेलेबल है, तो अगर जो भी भाई इंटरेस्टेड है तो आइए विजिट कीजिए, और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में अपन ने रेट रखा है यार, तो आप आ सकते हो, मार्केट रेट से कम ही रेट है मेरा, तो आइए और विजिट कीजिए। और ये पेयर है मेरे पास में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये बजरी का अल्बाइनो में पेयर है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेयर है, आप देख सकते हो कितना प्यारा पेयर है, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है, तो जो भाई इसे परचेस करना चाहता है तो विज़िट कीजिए शॉप पर, रिजनेबल प्राइस में है, मिल जाएगा आपको। कैट फूड का स्टॉक म्याऊ में, हर वैरायटी में फूड है मेरे पास में, एंटी हर्बल है, ओशन फिश है और पर्शियन किटन है एंड वर्ल्ड बेस है, वर्ल्ड बेस किटन है, वर्ल्ड बेस एडल्ट है, प्योर पेड है, विस्कस है एंड इधर ड्रूल्स है और डॉग में ड्रूल्स है एंड पेडागिरी है और लेट्स बाइट्स का भी फूड अपने पास अवेलेबल है, और बर्ड्स रिलेटेड जो राला होता है, फीडिंग होती है, वो भी अवेलेबल है एंड प्लांट्स वगैरह जो फिश टैंक में लगते हैं वो भी अवेलेबल है, और ये जो बर्ड्स की स्विमिंग होती है जिससे झूले भी कहा जाता है वो भी अवेलेबल है, और जो स्टोन टैंक वगैरह में डालते हैं वो भी अवेलेबल है एंड टर्टल वुड भी अवेलेबल है, डॉग्स बेल्ट वगैरह, कैट बेल्ट, ब्रीडिंग बॉक्स सब अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिश फूड में ऑप्टिमम, टायो एंड फिल्टर्स में सोबो, ब्लू पेड, हीटर वगैरह, टर्टल वुड में 1 kg भी अवेलेबल है, और मेडिसिन भी अवेलेबल है डॉग की, कैट की एंड टॉयज़ वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप आ सकते हो और विज़िट कर सकते हो। एंड फिश में वॉर्म्स वगैरह, ब्लड वॉर्म्स, मिनी मैक्रो फीड वगैरह भी अवेलेबल है एंड बिस्किट वगैरह डॉग्स के वो भी अवेलेबल है, और आपको कैल्शियम बोन भी मिल जाएगा डॉग के लिए, और लीटर सेंड भी मिल जाएगा कैट के लिए, जो अपनी कैट पोटी वगैरह करती है उसके लिए लीटर सेंड भी अवेलेबल है, और ये बोन भी अवेलेबल है, तो आइए यार जल्दी जल्दी विजिट कीजिए। एंड कैट के लिए ग्रेवी वगैरह भी अवेलेबल है, विस्कस की ग्रेवी एंड जेली वगैरह सब अवेलेबल है, इंशाल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी शॉप पर, आपने एक बार विज़िट किया तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये विस्कस में इंजेली है 1+ एंड ट्रीट्स वगैरह भी है, म्याऊ की ट्रीट्स है
म्याओ के ट्रीट्स भी आप देख सकते हो, और शिबा का जो ग्रेवी कैन होता है वो भी अवेलेबल है, एंड ड्रूल्स की ट्रीट्स भी अवेलेबल है, और कैल्शियम बोन ड्रूल्स का ये भी अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है। केजेस अवेलेबल है 2.5 फीट से लेकर, तो 2 फीट 2 फीट से लेकर, 1.5 फीट 1.5 फीट से लेकर, ये जो फैंसी केज होता है ये भी अवेलेबल है, तो एक बार विजिट कीजिए। और ये जो बूस्टर किटन के लिए बूस्टर भी अवेलेबल है, जो जो कैट बच्चे देती है और उसको दूध नहीं आता है, तो उसके लिए ये जो सेरेलैक है किटन बूस्टर वो भी अवेलेबल है। सब चीज़ें मेरे पास आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगी, और टूल्स के कैट बिस्किट भी अवेलेबल है, एंड केजेस वगैरह जो भी आपको हैंड फीडिंग फार्मूला बर्ड्स को हैंड फीड पर लेना है वो भी मिल जाएगा, और आपको बर्ड्स के लिए जो फीडर चाहिए फीडर भी अवेलेबल हो जाएगा, ये फीडर है, सब मिल जाएगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से वॉल टैंक आता है वो भी अपने पास में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर लगा के रखा है ऊपर, इसको आप वॉल पर लगा सकते हो, दीवार पर लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो ये भी अपने पास में अवेलेबल है। सो गाइज, मैंने आपको मेरा पूरा पेट शॉप जो था विज़िट करवा दिया, तो आइए जल्दी जल्दी, और आपको जो भी परचेस करना है करिए, अच्छी खासी रिजनेबल प्राइस में मैं डील कर रहा हूँ। तो बहुत दिनों से मैं पेट शॉप में लगा था, इसलिए मेरे व्लॉग आ नहीं पा रहे थे, तो मैं इसी तैयारी में था कि मैं अपना खुद का पेट शॉप ओपन करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई ने पेट शॉप ओपन कर लिया। आइए विज़िट कीजिए, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह यहाँ से आप व्लॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।